हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है फिजिकल एजुकेशन में टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्यूशन, यानी कि शारीरिक शिक्षा में परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का क्या महत्व है और कौन कौन से टूल्स आते हैं इसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीजीटी 2023 फिजिकल एजुकेशन एंड एन एग्जाम बहुत जल्द होने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। एंड ईएमआरएस का भी एग्जाम भी जल्द हो रहा है, दिसंबर में वो भी होगा, तो दोनों एग्जाम लगे हुए हैं। बट केवल ये बीपीएससी टीजीटी एंड ईएमआरएस के लिए ही नहीं है, अदरवाइज ऑल फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी वीडियो। जैसा कि मैं डेली बेसिस पे दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप डेली बेसिस पे दोनों वीडियो प्रैक्टिस किया कीजिए एंड अपने सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। और यदि आप थ्योरी सेशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सभी टॉपिक की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। एंड दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर एक मिनट से अधिक दौड़ स्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। डज रनिंग मोर देन वन मिनट एट हाई एल्टीट्यूड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट परफॉर्मेंस कंपटीशन। तो दोस्तों, जैसे कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हार्ट रेट ज़्यादा होता है, हमारा एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या प्रदर्शन एक मिनट से अधिक जो दौड़ प्रदर्शन है उसमें महत्वपूर्ण रूप से क्या प्रभावित करता है, तो यहाँ पे आपको प्रभावित करेगा कुल बैरोमेट्रिक दबाव में कमी हो जाएगी एंड ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी होगी एंड पेशी को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने उपलब्धता को कम करता है, तो क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 5 आपका राइट हो जाएगा। तो 1, 2 एंड 5 ये तीनों आपका राइट होगा, तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव परीक्षण की कसौटी में सम्मिलित होते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्ड टेस्टिंग। जैसे कि मानव परीक्षण क्राइटेरिया में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैलिडिटी यानी कि वैधता, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड्स यानी मानक एंड वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी राइट होगा। तो 1, 3 एंड 4 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेडो रूल मापता है, पेडो रूल नहीं है, पेडो रूल है, क्या है, पेडो रूल है, याद रखिएगा, यहां पे टाइपिंग में स्टिक हुआ है। तो पेडो रूल क्या मापता है, तो पेडो रूल जो है एचिलिस टेंडन का लंब से विचलन को मापता है, जो हमारे एड़े की सबसे मजबूत टेंडन होती है तो उसको मापता है, उसके विचलन को पेडो रूल, याद रखिएगा। पेडोग्राफ या पेडोग्राम जो है फ्लैट फुट को मेजर करता है। एंड नेक्स्ट है कि एक स्पायरोमीटर को फेफड़े का आयतन और किसको रिकॉर्ड करने और मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फेफड़ों की वायु धारक क्षमता को मापा जाता है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन की खपत, फेफड़ों की ऑक्सीजन की खपत, ठीक है, फेफड़ों की वायु धारक क्षमता को मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा दोस्तों, यहाँ पे सी राइट लग रहा है, ठीक है, प्राणधार क्षमता यानी कि वाइटल कैपेसिटी को मेजर करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यायाम के लिए शरीर के तत्परता को मापने का एक तरीका है बीएमआई माप का उपयोग करना, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका जो हाइट है वो लंबाई, जो आपका भार है वेट है वो लंबाई के अनुसार ठीक है या नहीं, उम्र के अनुसार आपका लंबाई और भार ठीक है कि नहीं।
कौन इनमें से बीएमआई स्कोर, कौन सा बीएमआई स्कोर जो है मोटापे को इंगित करता है। तो बीएमआई ज्ञात करने का सूत्र होता है वेट इन केजी, क्या होता है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो जो हमारा बीएमआई होता है वो अगर 18 से कम है तो आप अंडरवेट यानी कमजोर वीकनेस स्थिति में आएंगे। अगर 18.5 से 24.9 के बीच है तो ऑल गुड रहेगा यानी आप परफेक्ट लेवल पे हैं। अगर 24.9 यानी 25 से अधिक हुआ तो आप अति भार के ग्रेड में आना शुरू कर दिए हैं। यदि आपका 35 या 30 से अधिक हो जाता है बीएमआई तो आप ओबेसिटी यानी मोटापे से ग्रसित हो गए हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स एंड वीकनेस एंड कंसंट्रेशन की कमी एंड हाई ब्लड प्रेशर एंड मसल ब्रेकडाउन, ये सभी समस्याएं एंड डायबिटीज के पेशेंट हो जाएंगे, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर डी 32। ठीक है, ए ओबेसिटी यानी मोटापे को इंडिकेट्स करता है। एंड नेक्स्ट है खेलों में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्कोर रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में टेस्ट एंड मेजरमेंट का क्या महत्व है दोस्तों, तो इसके द्वारा हम अनुसंधान और प्रयोग के लिए प्रयोग करते हैं, भविष्य में उपलब्धियों को जानने के लिए, खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, भागीदारों की जरूरत का पता लगाने के लिए। तो ये सभी आपका उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट है कि व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट हो और स्ट्रोक वॉल्यूम 100 ml यानी मिलीलीटर प्रति बीट हो तो हृदय संबंधी आउटपुट क्या होगा। ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन द हार्ट रेट इज 160 बीट्स पर मिनट एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम इज 100 ml टू व्हाट विल द कार्डियक आउटपुट पर मिनट पर बीट। तो दोस्तों कार्डियक आउटपुट क्या होता है, सबसे पहले तो हम समझते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम जो हमारा हृदय होता है एक मिनट में 72 बार धड़कता है और एक धड़कन में जितना रक्त बाएं निलय के द्वारा शरीर की तरफ फेंका जाता है उसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। यानी एक धड़कन में जितना रक्त फेंका जाता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, जैसे 70 ml होता है। और एक मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, 72 बार। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट यानी कि जो एक मिनट में जितना रक्त बाएं निलय द्वारा शरीर की तरफ फेंका जाता है उसे कार्डियक आउटपुट कहते हैं। एक धड़कन में कहेगा कितना फेंका जाता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम, एक मिनट में कहेगा तो कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। सामान्य स्थिति में स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है और हमारा हार्ट रेट जो हृदय दर होता है एक मिनट में 72 बार। तो 70 × 72 का अगर आप गुणा करेंगे तो कार्डियक आउटपुट निकलेगा। तो गुणा करने पर आपका 5040 ml आएगा यानी कि 5.04 liter आपका कार्डियक आउटपुट सामान्य स्थिति में होता है। जबकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो हृदय गति जो 160 तक पहुँच जाता है और स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है तो 25 से 30 liter आपका हो जाता है व्यायाम के समय। एंड यहाँ पे जो पूछा है आपका हार्ट बीट है 160 पर मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 100 ml। तो हार्ट रेट ज्ञात करने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है दोस्तों 100 है, कितना है 100 है और हार्ट रेट कितना है 160। तो 100 × 160 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 100 × 160 का गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 16000 ml। कितना आएगा 16000 ml यानी 1000 ml में 1 liter यानी 16 liter होगा। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 16 liter प्रति मिनट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डायनमोमीटर का प्रयोग
इसके मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता है शक्ति यानी पावर को मापने के लिए डायनेमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट है, लक्ष्य अत्यंत प्रभावी होता है जब, कब होता है आपका लक्ष्य सबसे प्रभावी? जब आपको स्वयं के लक्ष्यों के प्राप्ति योग्य और यथार्थवादी मानते हैं तब आपका लक्ष्य जो है सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। एंड नेक्स्ट है, कैनेडियन परीक्षण कितने समय अवधि के अंदर होता है? तो यह 34 सेकेंड के अवधि के अंदर होता है और यह 1975 में बनाया गया। नेक्स्ट दोस्तों, जॉनसन बास्केटबॉल परीक्षण से कौन सा इवेंट संबंध नहीं है? तो दोस्तों विच इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट? तो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट में 3 टेस्ट आइटम्स आते हैं, बास्केटबॉल फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रू फॉर एक्यूरेसी एंड ड्रिबल। तो ये तीनों आपके बास्केटबॉल स्किल टेस्ट से रिलेटेड हैं, बट पेनी कप टेस्ट आपका रिलेटेड नहीं है, ये नॉन के बास्केटबॉल टेस्ट से रिलेटेड है। जैसा कि बास्केटबॉल स्किल टेस्ट के अंतर्गत 4 टेस्ट आइटम्स आते हैं, जैसे कि JKSH, इसका ट्रिक मैंने बनाया हुआ है JKSH 34 47 55 69। तो जे से आपका हो गया जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट 1934 में बनाया गया, जो सबसे पुराना स्किल टेस्ट है। इसके अंतर्गत 3 टेस्ट आइटम्स होते हैं, थ्रो फॉर फील्ड गोल स्पीड, थ्रो फॉर एक्यूरेसी एंड ड्रिबल टेस्ट। एंड के से हो गया आपका नॉक बास्केटबॉल टेस्ट, ठीक है, के से हो गया नॉक बास्केटबॉल टेस्ट, जो 1947 में रॉबर्ट डी डोनॉक्स द्वारा बनाया गया। और इसके अंतर्गत नॉक बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत 4 टेस्ट आइटम्स का प्रयोग होता है, जैसे कि स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल शूट, पेनी कप टेस्ट। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि पेनी कप टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो आपका नॉक बास्केटबॉल से है। एंड JKSH से स्ट्रॉब बास्केटबॉल टेस्ट एंड एस से हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट, ठीक है, ये भी आते हैं बास्केटबॉल स्किल टेस्ट के अंतर्गत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोगामक योग्यता परीक्षण में कौन सा मद सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों बैरोगामक क्षमता परीक्षण में 6 टेस्ट यानी कॉलेज पुरुष के लिए गामक सामर्थ्य परीक्षा तैयार किया गया था, जिसमें से 6 टेस्ट आइटम्स आते हैं। इसमें आता है आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, 60 यार्ड रन, सॉफ्ट बॉल थ्रो, वॉल पास, जॉगिंग रन, मेडिसिन बॉल थ्रो। तो यहाँ पे 60 गज रन दिया हुआ है, 60 मीटर रन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जॉगिंग दौड़, मेडिसिन बॉल थ्रो तीनों होंगे, बट आपका 60 मीटर दौड़ नहीं होगा, क्योंकि 60 गज दौड़ दिया हुआ है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉड पॉड को यह भी कहते हैं, तो बॉड पॉड को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यह हवा विस्थापन विधि भी कहा जाता है, इसमें फैट और लीन बॉडी मास को मापा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टेटमेंट बेस पर है, लचीलेपन को गोनियोमीटर से मापा जाता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, गोनियोमीटर नहीं गोनियोमीटर होगा, याद रखिएगा गोनियोमीटर होगा, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, गोनियोमीटर है, ठीक है। तो गोनियोमीटर लचीलेपन यानी फ्लेक्सिबिलिटी को गोनियोमीटर से मापा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय गोनियोमीटर। एंड लचीलेपन को अभिकथन आर है, लचीलेपन को बैठ एवं पहुंच यानी सीट एंड रीच टेस्ट से मापा जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी इज मेजर्ड बाय सीट एंड रीच। तो यहाँ पे दोनों राइट है, तो वहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड आर दोनों राइट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कि परीक्षण निर्माण के लिए सामान्य क्रम को सही क्रमवार लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे है परीक्षण का उद्देश्य निर्धारित करना, परीक्षण के लिए जरूरी सुविधाएं व सामग्री की आवश्यकता, परीक्षण पदों की संभावना का चयन, वैधता विश्वसनीयता व वस्तुनिष्ठ का पता लगाना। तो यहाँ पे कोई भी कार्य आप शुरुआत करेंगे, सबसे पहले उसका लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, परीक्षण का सबसे पहले उद्देश्य या लक्ष्य को निर्धारित करेंगे कि क्या उद्देश्य है, उसकी वैधता क्या है, उसको निर्धारित करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ए
उसके बाद हम निर्धारित करेंगे, निर्धारित तो कर लिए उस के उद्देश्य का, अब उसका चयन करेंगे। तो परीक्षण के पदों का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो ए हो गया, फिर सी हो गया, फिर क्या करेंगे उसके लिए जो भी जरूरी सामग्री परीक्षण के लिए आवश्यकता है उसको चयन करेंगे, तो फिर बी हो गया। एंड लास्ट में हम करेंगे वैधता, विश्वसनीयता एंड वस्तुनिष्ठता का पता लगाएंगे, तो डी हो गया। तो ए सी बी डी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। एंड नेक्स्ट है परीक्षण, परीक्षण और मापन किसमें सहयोग प्राप्त करते हैं, व्हाट डज टेस्टिंग एंड मेजरमेंट हेल्प इन, तो यह स्थिति का मूल्यांकन, अंतरों का मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालने, तीनों में मदद करते हैं। ए बी सी तीनों हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडोनाल्ड टेस्ट का प्रयोग किसमें होता है, तो दोस्तों ये सॉकर यानी फुटबॉल टेस्ट है, फुटबॉल स्किल टेस्ट में मैकडोनाल्ड का प्रयोग होता है, फुटबॉल स्किल टेस्ट में मैकडोनाल्ड का प्रयोग होता है। जैसे कि फुटबॉल टेस्ट, फुटबॉल को सॉकर भी कहा जाता है, तो इसके अंतर्गत तीन टेस्ट आइटम आते हैं, स्किल टेस्ट आते हैं फुटबॉल, फुटबॉल टेस्ट के अंतर्गत एम जे सी 51-63-68 यानी कि एम से मैकडोनाल्ड टेस्ट 1951 में बना, एंड विश्वविद्यालय खिलाड़ियों के लिए सर्वप्रथम बनाया गया स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में, इसमें फुटबॉल की किकिंग एंड बॉलिंग क्षमता को मापा जाता है। एम जे सी दूसरा है जेहनसन बास्केटबॉल फुटबॉल टेस्ट, एंड सी है क्रेव सॉकर टेस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर को आकार और समानुपातता के मापन को कहते हैं, मानव शरीर के आकार और समानुपातता के मापन को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मानव मापन विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोमेट्रिक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत शरीर की लंबाई चौड़ाई एंड लोचशीलता आदि का माप किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कूपर का परीक्षण मापता है, तो दोस्तों कूपर का परीक्षण वातापेक्षी क्षमता यानी कि एस्पिरेशनल पोटेंशियल यानी कार्डियोरेस्पिरेटरी इंड्यूसेंस सहनशीलता को मापता है, याद रखिएगा। इन्होंने 12 मिनट रनवॉक बनाया 1970 में एंड 12 मिनट स्विमिंग साइकिलिंग और जॉगिंग बनाया 1980 में, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा फोल्ड का मापन किया जाता है, यानी स्किन फोल्ड आर मेजर्ड, तो स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है, शारीरिक बनावट यानी शरीर को वसा को मापता है, बॉडी कंपोजिशन को मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रीड हॉफ मेथड द्वारा मेजर किया जाता है, स्प्रीड हॉफ मेथड द्वारा मेजर किया जाता है, तो दोस्तों मेजर्ड स्प्रीड हॉफ मेथड द्वारा विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी का मेजर किया जाता है। रिलायबिलिटी क्या होता है, यानी कि एक ही परीक्षण का एक ही समूह पर बार बार प्रयोग किया जाता है, परिणाम एक जैसा है, यानी कि बार बार परीक्षण लेने पर एक जैसे स्कोर प्राप्त होते हैं, यानी परीक्षण कभी भी कहीं भी कितनी बार भी आयोजित किया जाए परिणाम एक जैसे प्राप्त हो तो उसे कहा जाता है वह रिलेबल है। रिलेबिलिटी को कंसिस्टेंसी, ओपन, डिपेंडेबिलिटी, स्टैंडेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस एंड रिपोर्टेबिलिटी भी कहा जाता है। तो दोस्तों रिलेबिलिटी यानी विश्वसनीयता ज्ञात करने की 5 विधियां हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म मेथड, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलेबल मेथड एंड स्प्रिट हॉफ मेथड एंड कूडर रिचर्सन मेथड। तो यहाँ पे स्प्रिट हॉफ मेथड किससे रिलेटेड है, विश्वसनीयता से, याद रखिएगा। स्प्रिट हॉफ मेथड में होता क्या है कि इसमें परीक्षण को एक बार ही आयोजित किया जाता है, फिर प्रयोज्य यानी सब्जेक्ट को उनके परिणाम के आधार पर 2 भागों में सबमिशन में बांटा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षण पुनः परीक्षण विधि इसमें से क्या निर्धारित करने के लिए होता है, तभी जस्ट बताई हूँ परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, टेस्ट रीटेस्ट मेथड किसको निर्धारित करने के लिए, विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
वेट स्पायरोमीटर इनमें से किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह वाइटल कैपेसिटी यानी फेफड़ों की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को मापता है, वेट स्पायरोमीटर। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान परीक्षण में एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसलिए आपको किया जाता है विभेद शक्ति और कठिनाई स्तर, यानी डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो यहाँ पे बोथ एन एंड बी होगा, तो ए बी दोनों आपका राइट हो जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति अथवा खिलाड़ी का ज्ञान शक्ति को जानने के लिए उसका ज्ञान परीक्षण होता है, जिसमें व्यक्ति का खिलाड़ी को ज्ञान परीक्षण में एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय उसकी विभेद शक्ति यानी कि डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड कठिनाई स्तर यानी डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर केनेथ कूपर की परीक्षण के प्रतिष्ठादाता हैं। तो डॉक्टर केनेथ कूपर ने कौन सा परीक्षण बनाया था? 12 मिनट रन वॉक यानी 12 मिनट दौड़ भाग परीक्षण इन्होंने 1970 में कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए बनाया था। तो इन्होंने 1970 में कार्डियो रिस्पायरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए 12 मिनट रन वॉक को बनाया था। एंड इन्होंने 1982 में 12 मिनट स्विमिंग, साइकिलिंग एंड जॉगिंग बनाया था सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता को मापने के लिए। एंड नेक्स्ट है दोस्तों, जोड़ की गति क्षेत्र को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, द इंस्ट्रूमेंट यूज द मेजर द रेंज ऑफ मोशन ऑफ ज्वाइंट। तो यहाँ पे वो आपका गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गोनियोमीटर। गोनियोमीटर जो है मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलापन यानी जोड़ के पास दो अंगों के बीच का कोण मापता है। एंड आपका मायोग्राफी जो है मांसपेशी के संकुचन मापक यंत्र है। बायोप्सी टेक्निक्स के द्वारा मांसपेशी के तंतुओं यानी फाइबर्स का वर्गीकरण किया जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी के द्वारा मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता यानी एक्शन पोटेंशियल का पता लगाया जाता है। डायनेमोमीटर के द्वारा कमर, पैर और हाथ आदि की स्ट्रेंथ यानी ताकत को मापा जाता है। मैनोमीटर द्वारा ग्रिप स्ट्रेंथ यानी राइट एंड लेफ्ट हैंड की पकड़ मापा जाता है। एंड स्फीनोमैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। एंड स्टेथोस्कोप के द्वारा हार्ट रेट यानी कि हृदय की धड़कन को मापा जाता है। स्किन फोल्ड कैलिपर से लीन बॉडी मास यानी मोटापा को मापा जाता है। स्टेडियोमीटर से ऊंचाई या लंबाई मापा जाता है। एंड स्कोलियोमीटर या स्पाइनोग्राफ से रीढ़ की हड्डी का तिरछापन या झुकाव या स्कोलियोसिस को मापा जाता है। एंड एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जिसमें हृदय संबंधी असमानता का पता लगाया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रोइंसेफेसोग्राफ यानी कि ईईजी, जिसमें मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। एंड एक होता है प्रेशर गेज, जिसमें खेलों के उपकरण में हवा का दाब मापा जाता है। एंड एक होता है आपका विंड गेज, जिसमें हवा का वेग मापने का यंत्र होता है। एक होता है विंड गेज, जिसके द्वारा हवा की दिशा मापा जाता है। एंड एक होता है आपका टीची मीटर, जो उसके फ्लेक्सीमीटी मेजर किया जाता है। एक होता है पैडोग्राफ या पैडोमीटर, जिसे फ्लैट फूट मापा जाता है। एंड सीटम से पेट की मांसपेशियों की ताकत और सहनशीलता को मापा जाता है। याद रखिएगा ये मोस्ट थे, इसलिए मैंने इसको बताया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जन जंप क्या मापता है? तो जंप शब्द आते ही जितने भी जंप होंगे एक्सप्लोसिव पावर को मापेंगे, विस्फोटक शक्ति को मापेंगे। तो यहाँ पे सर्जन जंप, तो जंप आप किससे लेंगे? पैर से लेंगे। तो सर्जन जंप किसके मापता है? तो यह पैर की विस्फोटक शक्ति को मापता है। किसको मापता है? पैर की विस्फोटक शक्ति को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशियोग्राम द्वारा किसका माप दर्शाया जाता है? सोशियोग्राम द्वारा किसका माप दर्शाया जाता है? तो दोस्तों सोशियोग्राम के द्वारा सामाजिक समूहों के सदस्यों का माप दर्शाया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमस्ट्रिंग और पीठ की लोच को किसके द्वारा मापा जाता है? द इलास्टिसिटी ऑफ द हेमस्ट्रिंग एंड बैक इज मेजर्ड बाय। तो इसको मापा जाता है बैठना व पहुंचना परीक्षण यानी सीट एंड रेस्ट रिच टेस्ट के द्वारा हमारे हेमिस्ट्रिक मसल्स और पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है। एंड नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा परीक्षण कार्डियोवैस्कुलर सहनशीलता का परीक्षण नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों टटल पल्स रेशियो परीक्षण, हार्वर्ड टेस्ट परीक्षण, स्टेट टेस्ट एंड 12 मिनट रन वॉक, ये आपका तीनों के तीनों कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस को मापता है, बट आपका फिलिप्स JCR परीक्षण नहीं मापता है। JCR यानी कि जंप, यानी कि वर्टिकल जंप, जो एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को मापता है, एंड सी से हो गया आपका चिन ऑफ, जो हमारे कंधे और बांह की स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मापता है, एंड आर से रन यानी कि शटल रन स्पीड एजिलिटी को मापता है, ठीक है। और टटल पल्स रेशियो टेस्ट जो है आपका बनाया गया था 1930 में WW टटल और RC विल्किंस के द्वारा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए। इसमें 30 इंच बेंच का प्रयोग किया जाता है, एंड हार्वर्ड स्टेप टेस्ट 1943 में लुसीन बोरोहा के द्वारा तैयार किया गया। इसमें महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए 20 इंच यानी 50 सेंटीमीटर का बेंच और महिलाओं के लिए 17 इंच यानी 45 सेंटीमीटर का बेंच स्टार्ट लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस किया कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।